गन्ने की फसल में तीन ऐसे जरूरी कार्य जिनको करने से आपकी फसल में टिलिंग अच्छी होगी, हरियाली अच्छी होगी, पौधों का विकास अच्छा होगा, साथ ही साथ पैदावार भी अच्छी मिलेगी। तो कौन से ऐसे तीन जरूरी कार्य हैं जिनको आपको करने की आवश्यकता है, सो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में पूरी डिटेल से जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो गन्ने में हमेशा आगे रहते हैं। तो अगर आप गन्ने की फसल लगाए हुए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी डिटेल से जानकारी समझ में आए और क्या क्या जरूरी कार्य रहते हैं जिनसे हम पैदावार अच्छी लेते हैं। दोस्तों, हम 500 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार आसानी से ले लेते हैं। उसके जो मेन रीजंस होते हैं कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला काम होता है खाद प्रबंधन। खाद प्रबंधन में सबसे विशेष हम लोग जो रखते हैं वो है कंपोस्ट गोबर की खाद। इसके बाद जो अन्य खादें हैं उनके बारे में बताते हैं। कंपोस्ट गोबर की खाद अगर आपने गन्ना बुआई के समय डाल दी है तो इस समय आप भूल जाइए, आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम रुकें लगेंगी और पानी भी आपका कम लगेगा क्योंकि हमारे मिट्टी में जल धारण की क्षमता बढ़ा देता है और रुकें भी कम लगती हैं। तो इसके बाद अगर आपने नहीं उर्वरक डाली है, कंपोस्ट गोबर की खाद नहीं डाली है, तो आप जब आपके पौधे निकल आएँ तब भी आप इसमें चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद बात करें तो NPK और DAP में से किसी एक को आप चयन करते हैं। अगर DAP लेते हैं तो आपको नत्रजन अलग से देनी होती है और NPK अगर आप लेते हैं तो नत्रजन आपको यानी यूरिया आपको अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों खादों को आपको आसानी से देते रहना है, बस यही कार्य करना है और अधिक आपको कार्य नहीं करना है। ये कार्य कुछ इस तरह से करना है, एक बार अगर आपने DAP दे दी है, दूसरी बार खाली यूरिया आपको देनी है, तीसरी बार आपको NPK देनी है। ऐसे अगर आप डालते हैं तब आपकी जो ग्रोथ होगी वो कुछ अच्छी होगी और बढ़िया रहेगी। जैसे कि मैंने आपको कंपोस्ट गोबर की खाद बताई है, उससे काफ़ी फायदे होते हैं, टिलिंग भी अच्छी रहती है और आपकी जो फसल है वो हरी भरी ही रहती है। तो ज़्यादा खादों के चक्कर में ना पड़ करके सही तरीके से सही ढंग से डालेंगे तो कम लागत भी लगेगी, पैदावार भी अच्छी होगी। अगली बात करते हैं कि अगला पॉइंट क्या है, वो है सिंचाई। सिंचाई का जो सही समय है वो आपको भी ध्यान रखना है कि आपकी जो मिट्टी है, आपका जो खेत है, उसके आधार पर लगाएं। जब आपके खेत में लगे कि मिट्टी में नमी ख़त्म हो चुकी है, हमारे पौधों को पानी की आवश्यकता है, तब आपको देना चाहिए। मिट्टी में नमी अगर जल्दी ख़त्म होती है तो जल्दी सिंचाई करें, देर से ख़त्म होती तो देर से सिंचाई करें। यही फंडा अपनाएंगे तब आप कम पानी में अधिक पैदावार ले पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट चीज़ की, जो है आपकी फसल में समय पर निराई करना। जब भी आप अपनी फसल में सिंचाई करते हैं उसके बाद निराई करें, खरपतवार नाशी कम से कम डालें। खरपतवार नाशी से क्या रहता है, जो छोटे कोपले निकलने वाले होते हैं, जो टीलर होने वाले होते हैं, वो नष्ट होने लगते हैं, उन पर थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। हालांकि बिल्कुल वो नष्ट नहीं होंगे लेकिन इफेक्ट पड़ेगा, वो कम निकलेंगे और जो शुरुआत हुए होंगे वो तो ही नष्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ जब हम अपने खेत में निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, मिट्टी पोरस हो जाती है तो और ज़्यादा इसमें टीलर होते हैं। आप देख पा रहे होंगे टीलर काफ़ी अच्छे हैं और साथ ही जो भी उर्वरकें होती हैं वो अंदर मिक्सचर हो जाती हैं और नमी भी हमारी ऊपर बरकरार रहती है। ऊपर की मिट्टी सूख जाती है और नीचे की मिट्टी बरकरार रहती है, जिससे हमारी जो पानी लगाने की जो टाइम पीरियड है वो भी बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, गन्ने में अधिक पैदावार ले पाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक शेयर।